हेलो एंड वेलकम। आज हम ग्रीक प्ले लाइसिस्ट्राटा के बारे में बात करेंगे। लाइसिस्ट्राटा एक प्ले है जो एरिस्टोफनीज ने लिखा है और ये 411 BC में सबसे पहले स्टेज किया गया था। और ये जो प्लेज हुआ करते थे इस समय पर, वहाँ पे एक ग्रीस सोसाइटी में एक फेस्टिवल हुआ करता था जिसमें लोग ट्रेजेडीज और कॉमेडीज को स्टेज किया करते थे। और उस समय पे उनके एक जो गॉड है डायनेसिस, जो वाइन के गॉड हैं और फेस्टिविटी के गॉड है, फेस्टिवल्स के गॉड है और फर्टिलिटी के गॉड है, उनको खुश करने के लिए इस तरह के प्लेस किए जाते थे। तो हिस्टोरिकली एक फेस्टिवल के तौर पर कॉमेडीज और ट्रेजेडीज ग्रीक सोसाइटी में स्टेज की जाती थी। इन फेस्टिविटीज में मोस्टली और आदमी आते थे, औरतें कम ही पार्ट लेती थी। तो इन प्लेज में एक्ट करने वाले और मोस्टली इन प्लेज को लिखने वाले भी आदमी ही होते थे। औरतें स्टेज पे हिस्टोरिकली यूरोपियन स्टेज पे बहुत ही लेट आई। 17वीं शताब्दी में, हम इंग्लिश स्टेज के बारे में जानते हैं कि 1600 लेट 1600 में औरतें एक्ट करने लगी प्लेज में। तो ग्रीक सोसाइटी में भी बहुत कम चांसेस हैं कि औरतें ये प्लेज में एक्ट करती थी, और इन प्लेज को देखने वाले भी मोस्टली आदमी होते थे। तो ये तो मैंने आपको स्टेजिंग का एक तरीका बता दिया। ये प्ले की जो मेन थीम है वो ये है कि वॉर का इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्यों पड़ता है। तो ये क्या सोसाइटी पे वॉर का इम्पैक्ट है? तो क्योंकि ये प्ले है, लिखा गया है पेलोपनीजियन वॉर के बारे में। पेलोपनीजियन वॉर एक वॉर था जो एथेंस और स्पार्टा में चला 3 दशकों तक। 3 दशक मतलब 30 साल। और एथेंस और स्पार्टा दो सिटी स्टेट्स हैं, मतलब ग्रीक एम्पायर के दो सिटीज़ हैं या दो स्टेट्स हैं जिनको सिटी स्टेट्स कहा जाता है। ये दोनों आपस में लड़ते रहे 30 साल तक। तो इस प्ले में उस वॉर के जो सोसाइटल इम्पैक्ट है वो बताया गया है। तो इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन द डोमेस्टिक फ्रंट, ये इसकी मेन थीम है। पर क्योंकि ये कॉमेडी है और ये बहुत मानी हुई कॉमेडी है, बहुत ही फेमस कॉमेडी है। इनफैक्ट एरिस्टोफनीज के बारे में आप पढ़ेंगे तो उनके प्लेज जो हैं, उनकी कॉमेडीज, उनके व्यंग्य बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं ग्रीक लिटरेचर में। उन्होंने और भी काफ़ी कॉमेडीज लिखी हैं। ये कॉमेडी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत सक्सेसफुल कॉमेडी है। ये बाकायदा लोगों को बहुत हंसाती रही है। उसका एक बड़ा कारण ये भी है क्योंकि ये जो प्ले है इसमें बहुत से डबल मीनिंग जोक्स हैं। आप इसे वल्गर कॉमेडी भी कह सकते हैं। तो इसका प्रिमाइज ये है कि जो औरतें हैं मिल के सोचती हैं कि हमें पेलोपनेशियन वॉर को खत्म करना है। और वो क्या सोचती हैं खत्म करने का, उनका क्या स्ट्रेटजी होती है? वो कहती हैं कि हम सबसे पहले तो पैसे की सप्लाई हम आदमियों को देना बंद करेंगे और हम सेक्स की सप्लाई भी और आदमियों को देना बंद करेंगे। तो बेसिकली आदमियों को हम सेक्स स्टार्व्ड बनाएंगे, जिस और उनको इस डिनायल के साथ वो हार थक के वॉर से मना कर देंगे और समझ जाएंगे कि हम एज अ सोसाइटी हम सफर कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये एक एग्जैजरेशन है और हर कॉमेडी में एग्जैजरेशन, एक किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कहना एग्जैजरेशन कहलाती है। तो इस तरह की एग्जैजरेशन के माध्यम से ये प्ले एक सीरियस चीज़ को दर्शा रहा है। सीरियस चीज़ क्या है? इफेक्ट ऑफ वॉर ऑन द ग्रीक सोसाइटी। दूसरी बात जो ये प्ले बहुत ही तर्कपूर्ण तरीके से वो कह रहा है, वो ये कह रहा है कि क्योंकि आदमी जो है वो वॉर में जा रहे हैं तो सोसाइटी में आदमी कम रह गए हैं, जिसकी वजह से औरतों और बच्चों पर, सोसाइटी पर एक गलत असर पड़ रहा है। और लाइसिस्ट्राटा जो कि औरतों की लीडर हैं वो ये सारी चीज़ें कह रही हैं। तो जो प्ले का जो टाइटल है लाइसिस्ट्राटा, लाइसिस्ट्राटा नाम है औरतों की लीडर का। और ये इमेजिनरी सिचुएशन एरिस्टोफनीज ने बनाई है कि औरतें इकट्ठी होके आदमियों से सेक्स डिनाई करें। ये प्रिमाइज तो इमेजिनरी है, लेकिन हिस्टोरिकली इस समय पे पेलोपनीजियन वॉर चल रहा था और एरिस्टोफनीज उस पेलोपनीजियन वॉर के बारे में एक व्यंग्य लिखना चाहते थे जो एक पॉपुलर कॉमेडी भी हो। सबसे पहले मैं आपसे ये भी बताऊंगी कि ये प्लॉट एग्जैक्टली होता क्या है, इसमें होता क्या है। सबसे पहले जो औरतें हैं इकट्ठी हो जाती हैं एक्रोपोलिस में। एक्रोपोलिस क्या है? एक्रोपोलिस है जहाँ पे पैसा, एक तरह से बैंक आप समझ लीजिए, खजाना समझ लीजिए, जो ग्रीस, जो एथेंस का अपना पैसा है। वो उस पैसे को, औरतें जो हैं उस पैसे को बैरिकेड कर लेती हैं, खुद भी वहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं, एकत्रित हो जाती हैं। लाइसिस्ट्राटा जो है वो उनको कहती है कि तुम यहीं पे रहो, पैसा भी यहीं पे रहेगा, आदमी खुद आएंगे तुम्हारे पास और तब उन्हें तुम बोलना कि वॉर को ख़त्म किया जाए। इस मुहिम में और लाइसिस्ट्राटा के साथ सिर्फ एथेनियन वुमेन ही नहीं, स्पार्टा की औरतें भी हैं। मतलब औरतें बेसिकली कलेक्ट हो जाती हैं, बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं ये काम करने के लिए। अच्छा,
जब औरतें इकट्ठी हो जाती हैं और पैसे को भी इकट्ठा कर लेती हैं, आदमी को पता चलता है, जो सबसे पहले एक कॉरस आता है। तो कॉरस आपको पता होगा एक डिवाइस है ग्रीक थिएटर में जो यूज़ किया गया है, जिसमें ग्रुप्स ऑफ पीपल कुछ ना कुछ बोलते हैं और वो उसके माध्यम से प्ले के की जो सिचुएशन है उसको हाईलाइट किया जाता है। तो कॉरस एक बेसिक एलिमेंट है ग्रीक प्लेज में। तो सबसे पहले तो वहां पे आदमी आ जाते हैं और सोचते हैं कि हम आग से इन औरतों को इस बैंक से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। वो आके कोशिश करते हैं, पर लेकिन क्या करती हैं औरतें, औरतें उनके ऊपर पानी डाल देती हैं। आदमी बहुत गुस्से में आ जाते हैं, उनका पहला अटेम्प्ट फेल हो गया। दूसरी बार क्या होता है, एक मजिस्ट्रेट आता है जो एक लॉ का रिप्रेजेंटेटिव है, वो आता है और वो गार्ड्स के साथ आता है और वेपन्स के साथ आता है, लड़ने के लिए आता है, और वो औरतों को बहुत खरी खोटी सुनाता है। मजिस्ट्रेट का जो कैरेक्टर है एक इस तरह का कैरेक्टर है जो बहुत ही बेवकूफ दिखाया गया है उसको, उससे सिर्फ गुस्सा आता है, वो तर्क लाइसिस्ट्राटा को बिल्कुल नहीं दे पाता है। लाइसिस्ट्राटा और मजिस्ट्रेट आपस में बहुत डिबेट करते हैं, लेकिन क्लियरली हमें पता चलता है लाइसिस्ट्राटा एक समझदार औरत है, और समझदार होते हुए मजिस्ट्रेट को वो तर्क के बाद तर्क के बाद तर्क देती है और उसे कहती है कि हम वॉर को खत्म करेंगे और करके ही दम लेंगे। मजिस्ट्रेट जो है वो अजीब 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 से बातें लाइसिस्ट्राटा को सुनाता है। वो कहता है कि इन औरतों को हमें बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं देनी चाहिए, ये होती ही ऐसी हैं, और इस तरह के स्टीरियोटाइप्स का वो बहुत प्रयोग करता है। और लाइसिस्ट्राटा मजिस्ट्रेट और लाइसिस्ट्राटा के बीच में आपको क्यों नहीं लगेगा कि लाइसिस्ट्राटा सबसे ज़्यादा समझदार है। इस समय पर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्ले का, क्योंकि वो कहती है कि हम सोसाइटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। बहुत सी सरलता से वो बहुत आसानी से बता देती है कि ग्रीस में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। और यहाँ पे वो बताती है कि पर्जिया ग्रीस का एक बड़ा दुश्मन है और अगर हम लड़ते रहेंगे तो पर्जिया हमारा फायदा उठाएगा। अब क्या है कि असल में रियलिटी सिचुएशन की यही थी कि पर्जिया एक दुश्मन था पूरे ग्रीक एम्पायर का, और पर्जिया ने एक्चुअली इस पेलोपोनेशियन वॉर का को पर्जिया को फायदा हुआ था, क्योंकि एथेनियन सोसाइटी है जो थोड़ी वीक हो गई थी। और ये केवल लाइसिस्ट्राटा ने मेंशन किया है अपने एक डायलॉग में पर्जिया का, बट उस समय पे उस समय के हिस्टोरियंस भी ये कहते हैं, और हमें काफ़ी हिस्ट्री से पता चला है कि असल में पर्जिया उनका एक दुश्मन था। मैं यहाँ पे एक डाइग्रेशन के साथ मैं एक एक एसे से भी पढ़ूंगी, और मैं वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लाइसिस्ट्राटा जो कह रही है वो उस समय की रियलिटी थी। लाइसिस्ट्राटा रेफर्स टू पर्जियंस एज एनिमीज बिकॉज पोलिटिकल कॉमेंटेटर्स ऑफ दैट टाइम डिड पॉइंट टू द थ्रेट ऑफ एथेंस दैट इफ एथेंस एंड स्पार्टा कीप फाइटिंग द वॉर इट विल मेक इट ईजी फॉर द पर्जियंस टू एनेक्स देयर टेरिटरी। तो लाइसिस्ट्राटा देन इन लाइसिस्ट्राटा एरिस्टोफेनेस इज मेकिंग अ वेरी स्पेसिफिक पॉइंट टू अ वेरी स्पेसिफिक ऑडियंस एट अ वेरी स्पेसिफिक टाइम। तो इस समय पे एरिस्टोफेनेस जो लाइसिस्ट्राटा के थ्रू बताते हैं, हालांकि ये एक कॉमेडी है बट इसमें वो एक पोलिटिकल चीज भी, बहुत इंपॉर्टेंट पोलिटिकल चीज भी कह जाते हैं। वापस आ जाते हैं प्ले पे, कॉरस फिर से फाइट करता है और कॉमेडी होती है। अब इस तरह की कॉमेडी थोड़ी एग्जैजरेटेड है, यहाँ पे औरत और आदमी जो है अपने कपड़े भी उतार देते हैं और अजीबोगरीब एंटिक्स होते हैं, बहुत ही फिजिकल फाइट्स होती हैं। कॉमेडीज में आप ये देखेंगे कि एक्शन बहुत होता है, प्ले में बहुत सी मूवमेंट्स होती हैं, लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा इस तरह की सिचुएशन दिखाई जाती हैं जिसमें बहुत हंसी आए। और आज तक भी ये प्ले अगर स्टेज होता है तो लोगों को हंसी आती है, क्योंकि इस तरह के जोक्स आमतौर पे सक्सेसफुल होते हैं जहाँ पे आप कोई वल्गर बात कह दें। और लेकिन हमें ये समझना चाहिए साथ साथ ये सिर्फ वल्गैरिटी नहीं है, यहाँ पे एक तर्क भी बताया जा रहा है। आगे चलते हैं, एक एक कैरेक्टर है काइनेसियस जो अपनी वाइफ माइरीन के लिए आते हैं, वो बहुत डेस्परेट है। हमें डेस्परेशन को उन्होंने कैसे दिखाया, एक एग्जैजरेटेड फिजिकल डिस्क्रिप्शन उनकी डेस्परेशन की दिखाई है इस प्ले में। फाइनली ऑर्मी और मैन जो है रिकनसाइल कर देते हैं, कॉरस आ जाते हैं, दोनों नेगोशिएशन कर लेते हैं। और ये भी लास्ट में बहुत ही फनी तरीके से दिखाया गया है, लाइसिस्ट्राटा एक औरत को लेके आती हैं और उस औरत ने बहुत स्किम्पी बहुत छोट कम कपड़े पहने हैं, और उस औरत को देख के आदमी जो है बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और इस डिस्ट्रैक्शन में कहीं ना कहीं वो एक समझौता कर लेते हैं। तो अगेन बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से उन्होंने बेसिकली बताया कि और कि एथेंस और स्पार्टा को बेसिकली फ्रेंड्स होना चाहिए। अच्छा, एक चीज जो बच्चे बहुत पूछते हैं, स्टूडेंट्स बहुत पूछते हैं कि ह्यूमर इतना ल्यूड क्यों है, ये ह्यूमर इतना वल्गर क्यों है, इतनी ग्राफिक इमेजरी क्यों है, कई बच्चों को ये इसमें हंसी भी नहीं आती है। तो ये फैक्ट, ये सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि ये जो प्ले हुआ करता था
आदमी ही देखने आते थे, आदमी ही एक्ट कर रहे होते थे। तो जब आदमी आदमी इकट्ठे हुए हुए हैं तो इस तरह के जोक्स होना या उस जरूरत के जोक्स पे हंसना कोई कोई नॉर्मल सी बात है कि मामूली सी बात है। इस तरह का ह्यूमर चल गया और ये ह्यूमर बहुत हिट हुआ। इरेक्ट फैलसेस का भी प्रयोग किया जा रहा है। इरेक्ट फैलसेस मतलब डेस्परेशन को दिखाने के लिए फिजिकली इस तरह के यूज किए जाते थे गारमेंट, जिससे पता चले कि आदमी बहुत डेस्परेट हुआ हुआ है। डबल ह्यूमर यूज किया, डबल मीनिंग ह्यूमर यूज किया गया, सब कुछ किया गया बेसिकली क्योंकि आदमी ही देख रहे थे। बट फाइनली एक वार्निंग भी दी गई है इस प्ले में कि पेलोपोनेशियन वॉर जो है ये हमारी सोसाइटी को खाता जा रहा है, तो ये व्यंग्य भी है। एक चीज मैं आपसे भी बताना चाहूंगी कि कई लोग कहते हैं कि ये प्ले फेमिनिस्ट प्ले है, तो इसमें मेरी दो राय है। पहली बात कि हाँ, हमें समझना चाहिए कि जो लाइसिस्ट्राटा का कैरेक्टर है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर है। हम देखेंगे कि लाइसिस्ट्राटा और मजिस्ट्रेट की जो डिबेट होती है उसमें तो लाइसिस्ट्राटा बिल्कुल उसको मात दे देती है। तो मजिस्ट्रेट एक बेवकूफ नजर आता है हमें जब हम लाइसिस्ट्राटा से कंपेयर करते हैं। लाइसिस्ट्राटा बहुत से तर्क भी इतने अच्छे देती है कि आप मान जाते हैं कि ये बड़ी समझदार औरत है। पर हम इसको फेमिनिस्ट बुलाने से पहले हमें ये भी देखना चाहिए कि इस प्ले में औरतों को सहानुभूति के साथ नहीं दिखाया गया है, उनका स्टीरियोटिपिकल डिस्क्रिप्शन किया गया है। उसमें उनको बताया औरतों के माध्यम से, औरतों का एग्जाम्पल लेके उन्होंने ये बताया कि देखो जो स्टीरियोटाइप है, औरतें बहुत इंपल्सिव होती हैं, बहुत इंस्टिंक्टिव होती हैं, बहुत सेक्स ड्रिवन होती हैं, ये चीज़ें इस प्ले में अज्यूम की गई हैं। और हालांकि हम देखते हैं कि लाइसिस्ट्राटा एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, बट ओवरऑल जो औरतों की प्रोजेक्शन है उसमें ये स्टीरियोटाइप है कि औरतें मर्दों के साथ हर चीज़ में कम्पीट नहीं कर सकती। इस वजह से जब औरतें ये वॉर को एंड भी कर देती हैं उसके बाद वो वापस अपनी प्राइवेट लाइफ में रिसीड कर लेती हैं। ठीक है, तो ये एक तर्क जो है पूरे प्ले में दिया गया है। तो आप इस प्ले को कंप्लीटली फेमिनिस्ट प्ले भी मत समझिए, लेकिन आप ये भी मत भूलिए कि इसमें औरतों का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चित्रण किया गया है। अगर आपको इस प्ले के बारे में और कुछ पूछना हो तो आप प्लीज़ पूछिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।